आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर, या फिर आप बोल सकते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कि इसके पिन डायग्राम में आपको दिख रहा है, टोटल इसमें 40 पिन्स होते हैं, 40 पिन होता है इसके डायग्राम में, और हर एक पिन का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये जो आपका 40 पिन है उसको मुख्य रूप से 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें टोटल 40 पिन है, इसको 5 कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है पावर सप्लाई, दूसरा है क्लॉक सिग्नल, थर्ड है इंटरप्ट सिग्नल, फोर्थ एड्रेस एंड डाटा बस, और पाँचवा है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। तो इस तरीके से जो 40 पिन है उसको 5 जनरल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब इसका जो 40 जो पिन है इसका अब हम लोग डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसके कैटेगरी के आधार पे, है ना। और 6 इसमें है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, इसका 5th पॉइंट था, है ना। तो इस तरीके से टोटल 6 कैटेगरी हो गया है ना, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट भी है 6वां। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे पावर सप्लाई सिग्नल एंड क्लॉक सिग्नल। ठीक है, तो इसमें आपका दिया हुआ है VCC, तो ये VCC है, इसमें 5 वोल्ट पावर सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, ये माइक्रोप्रोसेसर को 8085 माइक्रोप्रोसेसर को पावर सप्लाई यहीं से दिया जाता है, 5 वोल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, VSS इसका उपयोग ग्राउंड के लिए करते हैं। अब इसमें X1 और X2 भी पिन है, ये बेसिकली क्या है, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है ना, तो इस पिन का उपयोग माइक्रोप्रोसेसर को क्लॉक फ्रीक्वेंसी प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो X1 और X2 है इसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर या LC ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए इसका मेन जो है यूज़ करते हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो 3 MHz से 6 MHz तक की फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करता है ना, ये X1 और X2 है। उसके बाद है सेकंड है इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल ये जो है पिन नंबर 6 से 11 तक, इसका पिन नंबर 6 से 11 तक इसका उपयोग करते हैं इंटरप्ट सिग्नल के लिए किया जाता है ना। तो इंटरप्ट सिग्नल वह होता है जो एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा माइक्रोप्रोसेसर को टास्क परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा जाता है। ठीक है, इस सिग्नल के कारण माइक्रोप्रोसेसर अपना कार्य रोककर एक्सटर्नल डिवाइस के कार्य को परफॉर्म करता है। मतलब एक तरीका क्या है, ये रुकावट है, इंटरप्ट मतलब रुकावट। जैसे आपके पास कोई पहले से टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई पर्सन आके आपको बोलते हैं कि मेरे को मतलब आपको ये काम, कोई दूसरा काम आपको दे देता है, तो जो इम्पोर्टेंट काम है तो आप अपना काम छोड़ करके आप किसी दूसरे के टास्क को परफॉर्म करते हो, तो उसी तरीके से ये जो आपका इंटरप्ट सिग्नल है ये भी वर्क करता है। पहले माइक्रोप्रोसेसर अपना कार्य करते रहता है, अचानक से जब उसको इंटरप्ट सिग्नल प्राप्त होता है पिन नंबर 6 से लेकर 11 तक, तो उस केस में माइक्रोप्रोसेसर अपना कार्य को स्टॉप करके ये जो इंटरप्ट सिग्नल के द्वारा जो प्राप्त है जो सिग्नल है उसके कार्य को ये परफॉर्म करता है। ठीक है, वही चीज़ लिखा है कि इस सिग्नल में कारण से माइक्रोप्रोसेसर अपना कार्य को रोककर एक्सटर्नल सिग्नल के कार्य को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो इसमें टोटल 5 पिन जो रहता है, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5 तथा INTR, है ना, ये हार्डवेयर इंटरप्ट पिन होता है। ठीक है, INTA का जो उपयोग है वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए किया है। आपके पास जो इंटरप्ट जो सिग्नल है वो कौन कौन से हैं, ट्रैप है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट सिग्नल होता है, मतलब जैसे कि आपका यहाँ से भी RST 5.5 से भी आपको सिग्नल प्राप्त हो रहा है, और इसमें आपका ट्रैप से भी आपको अगर बाय द वे सिग्नल प्राप्त हो रहा है तो ठीक है, तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप, ये जो ट्रैप है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी सिग्नल होता है, इंटरप्ट सिग्नल है, तो इसमें इसके द्वारा जो कमांड दिया जाएगा माइक्रोप्रोसेसर को, तो इसको सबसे पहले वो परफॉर्म करेगा, है ना, उसके बाद इसके कमांड को, फिर इसके कमांड को, इस तरीके से इसका प्रायोरिटी होता है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो जो इंटरप्ट सिग्नल है वो होता है आपका ट्रैप, है ना,
मतलब यहाँ से जो सिग्नल मिलेगा माइक्रोप्रोसेसर को, सबसे पहले वो इसको परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो नीचे का जो इंटरप्ट जो सिग्नल है उसके जो कमांड है उसको वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। और INTA जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए, है ना, ताकि जो सिस्टम है में यूज़ करने वाला है उसको पता चल सके कि अभी जो है इंटरप्ट सिग्नल यहाँ पे आया हुआ है ना, उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है। तो TRAP जो है एक तरीके का नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। नॉन मास्केबल मतलब उसको हम लोग मास्क नहीं कर सकते ना, उसके द्वारा जो सिग्नल प्राप्त होगा उसको आपको सबसे पहले परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके का नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट होता है ना, इसे किसी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है RST 7.5, 6.5 और 5.5, ये सभी क्या होते हैं, मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। इस पर आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन पे आप चेंज करके इसको आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो TRAP है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, ठीक है। इसे प्रोग्राम में परिवर्तन करके डिसेबल किया जा सकता है, जो नीचे का जो तीन है RST 7.5, 6.5 और 5.5, ये सभी मास्केबल इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटरप्ट था। अब इसके बाद चलते हैं एड्रेस एंड डाटा बस, है ना। तो ये जो आपका एड्रेस और जो डाटा बस है, इसमें जो है A8 से लेके A15 तक की एड्रेस बस होता है। इसमें क्या होता है, एड्रेस जो है वो सेंड करते हैं इसके द्वारा A8 से लेके A15 तक, इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, एड्रेस बस है। यह मेमोरी या इनपुट आउटपुट एड्रेस से मोस्ट सिग्निफिकेंट 8-bit एड्रेस को कैरी करता है। क्या चीज़ कैरी करता है, ये मेमोरी या इनपुट आउटपुट एड्रेस से MSB 8-bit जो MSB एड्रेस है वो वहाँ से कैरी करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बीट होता है उसको ये कैरी करता है, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें डाटा बस, ठीक है। तो जो डाटा बस है वो होता है आपका कहाँ से, AD0 से लेके AD7 तक। ये जो है एड्रेस तथा डाटा बस से 8-bit लास्ट सिग्निफिकेंट बीट को कैरी करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है वो LSB जो बीट है उसको कैरी करता है, 8-bit जो LSB है उसको कैरी करता है डाटा बस जो है, और जो एड्रेस बस था वो 8-bit MSB को वो कैरी करता है। दोनों में बस ये डिफरेंस है ना। उसके बाद फोर्थ है कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, ठीक है। तो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल के लिए कौन कौन सा पिन हम लोग यूज़ करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 3 कंट्रोल सिग्नल और 3 जो है स्टेटस सिग्नल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें 6 पिन आता है इसमें कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में। तो 3 जो है कंट्रोल सिग्नल है और 3 जो है क्या है, स्टेटस सिग्नल है। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका कंट्रोल सिग्नल में RD, मतलब ये है क्या आपका रीड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सिग्नल इंडिकेट करता है कि सेलेक्टेड मेमोरी डिवाइस को रीड कर लिया गया है, RD जो है। तो ये जो सिग्नल है इंडिकेट करेगा कि सेलेक्टेड जो मेमोरी डिवाइस है उसको रीड कर लिया गया है, तथा डाटा बस से जो जानकारी उपलब्ध है वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, है ना। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो काम होता है वो RD जो पिन है उसका काम होता है, मतलब ये एक तरीके का रीड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद है WR, WR मतलब ये राइट इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये सिग्नल इंडिकेट करता है कि सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन में डाटा बस द्वारा प्राप्त डाटा को लिखा जाना है या लिख दिया गया है, मतलब सीधा सीधा जो कमांड इसमें RD जो है वो रीड इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, और WR जो है वो राइट इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं ना, लिखने के लिए। अब है ALE, एड्रेस लैच इनेबल, थर्ड जो आपका कंट्रोल जो सिग्नल है, एड्रेस लैच इनेबल। माइक्रोप्रोसेसर द्वारा जब कोई
नया कार्य किया जाता है तो यह पॉजिटिव पल्स उत्पन्न करता है ना। जब भी माइक्रोप्रोसेसर में कोई नया टास्क आएगा तो ये एक क्या करेगा, पॉजिटिव पल्स जनरेट करता है। जब सिग्नल जो है हाई होता है तो एड्रेस इंडिकेट करता है। आपको ध्यान रखना है कि जब सिग्नल जो हाई रहेगा तो वो एड्रेस को इंडिकेट करता है, और जब सिग्नल जो है वो लो होगा तो वो डाटा को इंडिकेट करता है। ठीक है, एड्रेस और डाटा दो चीज़ होता है अपने पास, है ना। तो जब ये जो ALE जो एड्रेस लैच इनेबल है, ये क्या करेगा कि जब ये हाई रहेगा, हाई इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये इसका सिग्नल जो है जल रहा है बत्ती, तब तक ये एड्रेस को इंडिकेट करेगा, है ना। और जब ये लो हो जाएगा, मतलब जब बत्ती बुझ जा रहता है, तो उस समय ये डाटा को इंडिकेट करता है। ठीक है, इस तरीके से ये ALE होता है। इसके बाद है आपका स्टेटस सिग्नल, है ना। तो स्टेटस सिग्नल में आपका है इनपुट आउटपुट मेमोरी, फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है A करके, ये है इनपुट आउटपुट मेमोरी। इस सिग्नल का उपयोग इनपुट आउटपुट तथा मेमोरी के ऑपरेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अलग होता है, मेमोरी ऑपरेशन अलग होता है, तो दोनों के बीच डिफरेंशिएट प्रोड्यूस करने के, मतलब डिफरेंशिएट दिखाने के लिए इस जो पल्स है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जब पल्स हाई होता है तो उस समय इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है परफॉर्म होते रहता है, और जब जो पल्स जो है वो लो रहेगा तो उस समय मेमोरी ऑपरेशन को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है स्टेटस सिग्नल के लिए। जब इसका पल्स हाई है, मतलब इनपुट आउटपुट वाला वर्क चल रहा है ना, और अगर पल्स जो है लो है तो उस केस में मेमोरी ऑपरेशन चल रहा होता है। ठीक है, अब उसके बाद है स्टेटस सिग्नल का जो सेकंड पार्ट है वो S1 एंड S0। ठीक है, इसका उपयोग करंट ऑपरेशन के टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। ये जो आपका S0 और S1 है, वो जो भी ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वो कौन सा टाइप का ऑपरेशन चल रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए S0 और S1 का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये इसका स्टेटस सिग्नल होता है ना। इसके बाद है सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल, जिसका लास्ट है पांचवा, सीरियल इनपुट आउटपुट सिग्नल। तो इसमें क्या होता है, इसका उपयोग सीरियल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो ये दो टाइप का होता है, SOD और SID, है ना। SOD मतलब सीरियल आउटपुट डाटा लाइन, और SID जो है वो होता है सीरियल इनपुट डाटा लाइन। तो इस तरीके से टोटल इसमें 40 पिन होते हैं, तो ये इसके 40 पिन का अपना अलग अलग वर्क होता है जो आपको दिखाया गया। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं इसके पिन डायग्राम की ओर, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। X1, X2, रीसेट आउट, SOD जो है आपका, ये X1 और X2, ये आपका क्रिस्टल होता है जैसे कि आपको पहले बताया गया था, है ना। रीसेट आउट SOD सीरियल आउटपुट डाटा, फोर्थ नंबर पिन, और ये जो SID जो है वो सीरियल इनपुट डाटा है। उसके बाद जो छठवां नंबर पिन है वो किसके लिए होता है, ट्रैप, मतलब ये इंटरप्ट सिग्नल है। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप होता है, इंटरप्ट सिग्नल होता है ट्रैप। ऐसे ही जो है तीन और है यहाँ पे, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, है ना। ये तीनों जो है क्या है, इंटरप्ट सिग्नल है, लेकिन ये जो है लो प्रायोरिटी के हैं। ठीक है, ये जो आपका ट्रैप है ये नॉन मास्केबल होता है, और ये जो तीन नीचे का जो तीन है वो जो है मास्केबल होते हैं। ठीक है, INTA ये जो है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये वन है मतलब उस समय इंटरप्ट सिग्नल जो है परफॉर्म हो रहा है, और अगर ये जीरो है तो उस समय माइक्रोप्रोसेसर अपना काम कर रहा है ना। AD0 से लेके AD7 तक आपको बताया गया था, ये एड्रेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। और VSS ये जो है ग्राउंड सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ से इसको ग्राउंड कर देंगे। VCC जो है आपका पावर सप्लाई है, जो 5 वोल्ट हम लोग देते हैं माइक्रोप्रोसेसर को वर्क करने के लिए, वो इसके 40 पिन पे है ना। एक्चुअल में ये इधर से जाता है नीचे से, इस साइड से, ये ऐसे है ना।
आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है आपका एड्रेस के लिए होता है एस जीरो से लेके, नहीं ए, ये एक्चुअल में ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए एट से लेके ए फिफ्टीन तक, ये जो है एड्रेस बस के लिए। आर डी जो है वो रीड इंस्ट्रक्शन, डब्ल्यू आर जो है वो राइट इंस्ट्रक्शन के लिए है ना। आई ओ स्लैश एम ये इनपुट आउटपुट मेमोरी के लिए है, ये रेडी इंस्ट्रक्शन है कि सिस्टम जो है मतलब जो माइक्रोप्रोसेसर है वो रेडी हो चुका है ना। एच एल डी ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है, होल्ड जो है कुछ समय के लिए, जैसे आपको किसी भी माइक्रोप्रोसेसर को होल्ड कंडीशन में चला जाता है तो उस समय उसका उपयोग करते हैं है ना। तो इस तरीके से 8085 माइक्रोप्रोसेसर के टोटल 40 पिन होते हैं, जिसका अलग अलग कैटेगरी करके आपको टोटल 6 जो है कैटेगरी में इसको बांट के इसका फंक्शन को बताया गया है ना। तो आज का लेक्चर ही समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।